मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सारी शिकायतें अब दूर की जाएंगी। शिवराज सरकार इसके लिए जल्द ही पूरे प्रदेश में शिविर लगाएगी। भाजपा सरकार के इस कदम से करीब 95 लाख उपभोक्ताओं को 623 करोड़ का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अनुमोदन किए। कोरोना काल जो चला था, इस कोरोना काल के अंदर जिन लोगों का 100 रुपया बिल आया था उसे 50 रुपया, इनका 400 तक का आया था उसे 100 रुपया, और उससे अधिक वालों का आधा करने का तय किया। इसके बाद भी बिलों में विसंगतियों की सूचनाएं मिलने पर आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन का एक कैंपेन चलाएंगे, वो सभी विधानसभाओं में शिविर लगेंगे और इन शिविरों के अंदर जो विसंगति बिलों की है, बिलों की अधिकता है, ऐसे बिल जो 93 लाख के अंदर आते हैं, मतलब 56 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 100 रुपया से 50 रुपया बिल किया गया है, 30 लाख ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें 50 रुपया किया गया है 100 रुपये से, और 400 से 100 रुपया किया गया है, ऐसे कुल 86 लाख है, और कुल जो बचे हैं 93 लाख, उसके बचे हुए का भी आगे आने वाले 15 दिन में समाहित कर लिया जाएगा। इस तरह से 95 लाख उपभोक्ताओं को 623 करोड़ का लाभ सरकार ने दिया है। 23 मार्च से जब ये सरकार बनी और उससे 22 जून तक सरकार ने इस तरह की अनेक सुविधाएं और राहत हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को दी, जिससे कि आर्थिक स्थिति में गति बनी रहे। वो लोग जो खजाना खाली है कहते थे कि हम उन्हें भी आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अलग अलग खातों में, जैसे सामाजिक न्याय विभाग में जो हितग्राही थे उन्हें 562 करोड़ रुपया उनके खातों में डाला, 22,000 करोड़ अकेला किसानों को गेहूं खरीदी में हमारी सरकार ने दे दिया, 1555 करोड़ रुपया ग्रामीण पंचायतों को दे दिया जिससे गांव की स्थिति ठीक हो जाए, बैगा सहरिया इनके खाते में 44.60 करोड़ रुपया इनके खाते में मध्य प्रदेश की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 23 मार्च से 22 जून तक इन 3 महीनों के अंदर उनके खातों में पहुंचाया। हमारे प्रवासी मजदूरों को भी 14.81 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाया। श्रम सिद्धि अभियान के तहत 1,862 करोड़ रुपया 25,30,000 मजदूरों के खाते में हमने, जो मजदूर थे हमारे उनके खाते में पहुंचाया। ऐसे कुल 1,256 करोड़ व सामग्री 616 करोड़ रुपये की उनके खाते में पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय इन 3 महीने के अंदर किया। फसल बीमा योजना के भी 2981 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा है। हम स्कूल शिक्षा विभाग की बात करेंगे तो छात्रवृत्ति योजना, मध्याह्न योजना, इसमें 263 करोड़, 84 करोड़, 475 करोड़ सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में ही अकेले के अकेले इन 3 मदों में अलग अलग पहुंचाया। चना में, सरसों में, मसूर में इनकी खरीदी में भी 2,762 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाया। हम वन विभाग की बात करेंगे तो 470 करोड़ रुपया वन विभाग में, संबल योजना की बात करें श्रम विभाग की तो 137 करोड़ रुपया संबल विभाग की योजना के अंदर उनके पास पहुंचाया। प्रधानमंत्री मातृ वंदित योजना में 87,938 हितग्राहियों को 36.06 करोड़ रुपया उसके अंदर पहुँचाया गया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 22.41 करोड़ रुपया उनको पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में भी 451 करोड़ रुपया उन सबको पहुंचाया गया, उपभोक्ताओं को पहुंचाया गया। ऊर्जा विभाग के जो 97 लाख हितग्राही थे उन्हें 623 करोड़ रुपये का
लाभ दिया गया। आयुष विभाग में भी 35.41 करोड़ का लाभ दिया गया। पंच परमेश्वर योजना में 70 करोड़ रुपया, हमारे जो प्रवासी श्रमिक और निराश्रित खाद्यान्न था उसके लिए भी 120.96 करोड़ रुपये की सहायता राशि पहुंचाई गई। प्रवासी पर मजदूरों के परिवहन अकेले में 47.97 करोड़ रुपये की राशि उनको पहुंचाई गई है। ऐसे अगर मैं गिनता चला जाऊंगा तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी राशि है इसमें। और इस तरह से कुल 3 महीने के अंदर जो सीधा लाभ देना था वो 38,700 करोड़ की राशि 3 माह के अंदर हमने मध्य प्रदेश के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, हितग्राहियों के खाते में पहुंचाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा, लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।